जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पेट की चर्बी कैसे घटाना है। आपको आसान घरेलू नुस्खे हम बता रहे हैं जिससे आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे फूड्स के नाम जिसको खाने से आप अपने पेट के निचले भाग की चर्बी को कम कर सकते हैं। यह ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें खाने से आप अपने पेट के निचले भाग की चर्बी को कम कर सकते हैं आसानी से। पेट के नीचे की चर्बी को घटाने के लिए हर रोज 7 से 8 ग्लास पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों, अनिवार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, हर रोज 7 से 8 ग्लास पानी पीने से आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी और आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा जिससे कि आपके पेट की चर्बी कम होगी। शहद का सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, सेकंड उपाय है, आप शहद का सेवन करें। मोटापा बढ़ने की एक खास वजह है चीनी। चीनी के सेवन से क्या होता है, हमारे शरीर में चर्बी बढ़ती है जिससे मोटापा भी हम कहते हैं, तो मोटापा बढ़ेगा। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चीनी की जगह आप शहद का सेवन करें। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर, आप अपनी कॉफ़ी या चाय के लिए दालचीनी का प्रयोग करें। इससे आपका ब्लड शुगर जो होता है वो कंट्रोल होता है। तो आपको अपनी कॉफ़ी या चाय जो होती है सुबह सुबह की, उसमें आपको दालचीनी का प्रयोग करना है। दालचीनी का प्रयोग करेंगे तो आपका मोटापा कंट्रोल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको फैट कम करने के लिए फैट खाना होगा, मतलब कि मेवे खाएं। मेवे खाने से क्या होगा कि जितना ज़रूरी हमारे शरीर के लिए, कई बार क्या होता है जैसे सांप काटता है तो हमें जहर का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त जहर ही जो है वो हमारे लिए दवा का काम करता है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी को चर्बी की भी ज़रूरत होती है, चर्बी नहीं कह सकते हैं, फैट की ज़रूरत होती है। क्यों, वो मेवा खाएं। मेवे से क्या होगा, आप अखरोट या उसके साथ बादाम लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में फैट आता है, वो फैट ज़रूरी होता है, ये फैट अननेसेसरी नहीं होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए इस बात पर बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते हैं, पर शोधों से ये पता चला है कि वो ज़रूरी होता है लेना, अदरवाइज हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोरी होकर के भी फाइलेरिया जैसी बीमारियाँ होती हैं या और सारी बीमारियाँ होती हैं, शरीर फैलने लगता है, मोटा होने लगता है। तो इसलिए आपको ये एक समुचित आहार में से है, इसलिए आपको फैट भी लेना चाहिए उचित मात्रा में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फैट से बचना है, मोटापे से बचना है, तो दही का सेवन करें, क्योंकि दही खाने से शरीर में फैट नहीं बढ़ता है, इसमें अनावश्यक फैट नहीं होता है। कोई भी जैसे आप क्रीम खाते हैं, क्रीमी बिस्किट या आजकल की कोई भी चीज़ें, फास्ट फूड आप खाते हैं तो आपके बॉडी में फैट का संचार होने लगता है, लेकिन दही जो है उसको कंट्रोल करता है। एक तो इसमें विटामिन सी होता है और भी बहुत सारी विटामिन होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ये मोटापे को काबू में रखता है। मोटापा बढ़ता नहीं है, इससे घटती है मोटापा। तो आपको दही का सेवन करना चाहिए। तो अगर हो सके तो हमें दिन में एक बार ग्रीन टी लेना चाहिए, इससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और फैट बर्न होता है। तो ग्रीन टी अगर हो सके तो उसका सेवन जरूर करें दिन में। और इसके साथ साथ आपको नियमित व्यायाम करना भी ज़रूरी होता है। पूर्ण डाइट लें, ये नहीं कि खाना स्किप करने से हमारे शरीर को कोई खास फायदा नहीं होता है, तो हमें खाना स्किप नहीं करना चाहिए, हमें सही वक्त पर और सही डाइट लेनी चाहिए। ना ज़्यादा फास्ट फूड खाएँ, इनसे बचें। जितना ज़्यादा आप फास्ट फूड खाएंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। हाँ, कभी कभी सही है, लेकिन आप अगर आदि हो जाते हैं फास्ट फूड के तो फिर आप अपनी चर्बी को कम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मोटापे को अगर कंट्रोल रखना है आपको तो बस नियमित रूप से सही डाइट लें, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही होता है, और नियमित एक्सरसाइज करते रहें। फालतू की दवाओं से बचें, जितनी ज़्यादा दवाइयाँ खाएंगे आप उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो दवाओं से बचें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गलत दवाएं लेने लगते हैं, गलत दवाओं का गलत असर होगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि सही चीज़ों का ही सेवन करें और अच्छे वैद्य से सलाह लेकर के ही दवाओं का सेवन करें। धन्यवाद दोस्तों।